हेलो एवरीबॉडी, गाइस कैसे हैं आप सब। उम्मीद करूंगा सब के सब फिट एंड फाइन होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं लोह ट्रेड के बारे में, यानी आयरन ट्रेड के बारे में। सो गाइस, आयरन ट्रेड आप लोगों ने इंस्टॉल भी कर रखी होगी और बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने बहुत सारा पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट भी किया होगा, लेकिन क्यों नहीं ये एप्लीकेशन यूज़ करनी, क्या ऐप्स हैं इसमें, क्या प्रॉब्लम्स हैं, विड्रॉ देता या नहीं देता, या फिर क्या मैंने ये वीडियो क्यों बनाई है, क्या मकसद है। लास्ट तक देखोगे तो ज़रूर आपको समझ आ जाना है, मज़ा ज़रूर आएगा, इतनी गारंटी है मेरी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले वीडियो से स्टार्ट करने से पहले बात कर लेते हैं वीडियो के डिस्क्लेमर की। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में दिखाए जाने वाले पात्र, वस्तु, जगह, स्थान या प्राणी या फिर कोई एप्लीकेशन वास्तविक रूप से वीडियो से संबंध नहीं रखती है, रियल रूप से रखती है। मतलब वीडियो में दिखाई जाने वाली कोई भी घटना जो घटी है वो सच्ची है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले एक और चीज़ बता देता हूँ, अगर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हुए तो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, अभी ज्वाइन हो जाओ। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो लास्ट तक देखने के बाद वीडियो को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दोगे चैनल को। सो फ्रेंड्स, आयरन ट्रेड यानी बहुत सारे आपने सुना होगा डेटा मैनिपुलेशन, या फिर आपने सुना होगा ग्राफ मैनिपुलेशन। तो भाई, जब कोई चोर होता है, स्मार्ट चोर के बारे में बात करते हैं, जब वो चोरी करता है किसी बैंक में, तो वहाँ पे अगर आपके हर एक अकाउंट से 5 रुपये चोरी होते हैं, 2 रुपये, 10 रुपये चोरी होते हैं, और वो लाखों अकाउंट से इतना छोटा छोटा अमाउंट चोरी करता है, तो वहाँ पे उस अमाउंट को ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल होता है, या कोई कंप्लेन भी नहीं लिखाता है। उसी तरीके से ये जो एप्लीकेशन है बाइनरी मार्केट में, आयरन ट्रेड, तो भाई इस एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो यहां पे आपके साथ डेटा मैनिपुलेशन इस तरीके से होता है, कोई भी एक बड़ी ट्रेड में आप लास्ट मोमेंट पे आके हार जाते हो और आप समझते हो कि आपकी जो किस्मत है वो सही नहीं है, जिसकी वजह से आप ये जो ट्रेड है ये हार गए हो। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, आपका जो डेटा है वो मैनिपुलेशन किया जाता है। अब हिंदी में इस वर्ड का क्या मतलब है आप सर्च कर सकते हो गूगल पे, बाकी आपको पता ही होगा समझदार हो। तो फ्रेंड्स, एक हमारे भारत में लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, और एक ये जो एप्लीकेशन है बाइनरी मार्केट में आयरन ट्रेड, जिसके आने के बाद बाइनरी मार्केट में रेवोल्यूशन आ गया था। क्यों? क्योंकि इंडियन मार्केट में ऐसी कोई एप्लीकेशन इतने इजी इंटरफेस के साथ नहीं आई थी, बट जब ये एप्लीकेशन आई थी इंडियन मार्केट में काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी दे रही थी। बट आने वाले टाइम में, यानी जब भी कोई गाड़ी होती है, नई बाइक होती है, भाई हम बहुत चमकाते हैं, बट आने वाले टाइम में जब वो घिस जाते हैं उसके टायर, तो हमको धोना पॉलिश करना भी छोड़ देते हैं। तो वो सेम चीज़ें यहाँ पे भी हो, भाई टायर घिस गए हैं तो यहाँ पे मेंटेनेंस भी ज़्यादा लगेगा, मेंटेनेंस ज़्यादा लगेगा तो भाई यूजर से पैसे भी ज्यादा चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं भाई। अब एक चीज यहां पे बात कर लेते हैं, बाइनरी मार्केट में बहुत सारी एप्लीकेशंस कंपटीशन में लगी हुई हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा कौन कमा रहा है? सबसे ज्यादा पैसा वो एप्लीकेशन कमा रही है जहां पे यूजर्स हारते हैं। जिस एप्लीकेशन पे सबसे ज्यादा यूजर्स हारते हैं वो एप्लीकेशन को उतना ज्यादा फायदा होता है। अब हारने के लिए क्या करना होता है? बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है जो जहां पे आप जीत भी सकते हैं। लेकिन एक और बात करते हैं, इस एप्लीकेशन को FPA जो कि 2005 से रिव्यूज कर रहा है, रिव्यू देता है फॉरेक्स और बाइनरी एप्लीकेशंस को, तो ये जो आयरन ट्रेड है इसको उसने स्टार दिया है, ओनली 1। हाँ भाई, मजाक की बात नहीं है, सिर्फ 1 स्टार मिला है। और यूजर्स रिव्यू की बात करें तो भाई, पॉजिटिव रिव्यू ढूंढने के लिए मेरे को तो पूरी रात लग गई, लेकिन मुझे कोई पॉजिटिव रिव्यू इस एप्लीकेशन के बारे में नहीं मिला। तो गाइस, बहुत सारी कंप्लेंट्स आई आप लोगों की, भाई ये जो एप्लीकेशन है क्या प्रॉब्लम आ रहा है इसमें? तो इस एप्लीकेशन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं विड्रॉ से रिलेटेड या और भी कुछ, और मैं नहीं चाहूंगा कि जो मेरे यूजर्स हैं वो इस तरीके के स्कैम में पड़े। टोटली स्कैम रन हो रहा है भाई, और इंटरनेट पे ऐसे स्कैम है जिनके खिलाफ आप कुछ कर भी नहीं सकते। तो फ्रेंड्स, यहां से इस स्कैम से बचने के लिए आपको क्या करना है? तो अपने जाना है फोन की स्क्रीन पे एक होम बटन आपको दिखेगा, उस पर करना है क्लिक। जैसे ही आपके ऐप सारे आ जाएंगे, वहां पे एक ऐप आपको दिखेगा आयरन ट्रेड के नाम से, उस ऐप पे आपको करना है लॉन्ग प्रेस और उसे सिंपली कर देना है इंस्टॉल। बाई दैट सेट, बस इतना ही करना है आपको इस स्कैम से बचने के लिए, और कुछ नहीं करना। हाँ, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े विड्रॉज यानी पैसे यहाँ पे फंसा रखे हैं कूपन्स यूज करके या फिर और भी कोई तरीकों से, तो भाई उनके लिए बताना चाहूंगा कि अब सबसे पहले इस मार्केट में आपने एंट्री ली है तो पैसा कमाने के लिए, और कोई भी मोटिव किसी का यहाँ पे एंट्री लेने का नहीं होता है, चाहे वो बाइनरी मार्केट हो चाहे वो फॉरेक्स मार्केट हो। बट इसके पीछे की कहानी पता होने के बाद आपको इन्वेस्ट यहाँ पे करना चाहिए। जो भी एप्लीकेशन आप चुनते हो इन्वेस्ट करने के लिए, उसमें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ से विड्रॉ आपको मिलता है या नहीं मिलता। अगर आपको मिलता है तो जाइए। हाँ भाई, कोई डिनाई नहीं कर रहा मैं स्टेटमेंट को कि यहाँ से आपको विड्रॉ नहीं मिलता है, लेकिन मैनिपुलेशन तो बहुत सालों से चलती आ रही है यार ये चीज़ें सारी, कि किस तरीके से आपको मैनिपुलेट किया जाता है। आपने सुना भी होगा ग्राफ मैनिपुलेशन, आखिरी टाइम में आप हार जाते हैं, लेकिन उसके पीछे का रीज़न आप लोगों को नहीं पता। और रीज़न, आप जाइए इसके बारे में रिव्यूज़ पढ़िए, क्योंकि बहुत सारी जो वेबसाइट्स हैं आपको रिव्यूज़ मिल जाएंगे, फ्री
रिव्यूज हैं, आप लॉग इन करो, रिव्यूज पढ़ लो, और भी यूजर्स, मैं ये नहीं कह रहा प्ले स्टोर पे जाके रिव्यू पढ़ो, क्यों, क्योंकि वहां पे यूजर्स के रिव्यू रहते हैं तो थोड़ा बहुत नेगेटिविटी वहां पे ज्यादा रहती है, बट आप जाओ प्ले स्टोर पे भी नेगेटिव ही है इनके रिव्यूज, क्योंकि मैं ढूंढने लगा तो मुझे पॉजिटिव रिव्यूज नहीं मिले। वीडियो बनाने का मकसद क्या है? वीडियो बनाने का मकसद ये है, मेरे पास कुछ यूजर्स हैं यानी अपने मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने मुझसे कहा कि ये क्या प्रॉब्लम आ रहा है आयरन ट्रेड के साथ, जो विड्रॉ नहीं मिल रहा है या फिर डेटा मैनिपुलेशन का। जब चेक करने के बाद पता लगा भाई ये तो पूरा स्कैम ही रन हो रहा है यहाँ पे। ये चीजें से मतलब एक तरीके से जब से बाइनरी मार्केट बना है यानी आप चलन में आया है इंडिया के अंदर, तो जितनी छोटी छोटी एप्लीकेशन है सारी की सारी कंपटीशन में है भाई। सबसे ज्यादा पैसा मैं कमाऊं उसके लिए क्या करें, उसके लिए यूजर्स को लूटो और क्या कर सकते। तो भाई इस स्कैम से आपको बचना है, ठीक है, बता दिया मैंने बचने का तरीका, बहुत मुश्किल है, आपको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा एप्लीकेशन को, बट अगर बचना है तो यही करना पड़ेगा। बाकी मैं कोई खिलाफ नहीं हूं इस एप्लीकेशन के, मैं खिलाफ हूं स्कैम के, ये चीज़ मैं पहले बता देता हूँ। मैं कोई यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि एप्लीकेशन के मैं अगेंस्ट हूँ या मुझे पसंद नहीं है या कुछ, बट मैं चाहता हूँ कि मेरे जो यूज़र्स हैं उनके साथ कुछ गलत ना हो या फिर वो कोई स्कैम में ना फंसे। इस मार्केट में कोई भी पैर रखता है, कदम रखता है, उसका मोटिव एक रहता है, वो क्या, वो चाहता है कि भाई मैं यहाँ से कुछ पैसा अर्न करके जाऊँ। अर्न कैसे करोगे? जब आपको विड्रॉ मिलेगा, जब आपका जो ग्राफ है बिल्कुल सही चलेगा, 10 में से अगर एक ट्रेड आपके साथ मैनिपुलेशन कर दी गई तो आपको पता भी नहीं लगना है भाई, कोई नहीं चेक करता है, ठीक है, चीज़ का ध्यान रखना है। और उम्मीद करूंगा अभी तक अपने स्कैम से बचने के लिए जो मैंने उपाय बताया है कर लिया होगा। बाकी कोई क्वेरी हो जाए यार नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, माफी चाहूंगा कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। आने वाली वीडियोस और भी ज़्यादा एक्साइटिंग होंगी तो सब्सक्राइब जरूर कर देना यार चैनल को। और अगर कोई विड्रॉ से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, आपको चेक करना है भाई कौन सा ब्रोकर जेन्युइन है, कौन सा ब्रोकर का इंटरफेस प्यारा है, कौन सा ब्रोकर का जेन्युइनली विड्रॉ देता है, क्या है सारी सिनेरियो, तो आप जा सकते हैं चैनल पे, वीडियोस मिलेंगी, चेक कर लो यार। और टेलीग्राम पे तो ज्वाइन हो ही जाओ अगर नहीं हुए हो तो। चलिए वीडियो बोरिंग नहीं करते हैं और यहीं पे स्टॉप करते हैं, और आने वाली वीडियो उम्मीद करेंगे कि बहुत ज्यादा अच्छी होंगी। चलिए सब्सक्राइब तो आपने अभी तक कर ही दिया होगा, मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।